सोचा कि क्यों ना जल्दी उठकर पढ़ाई करी जाए। जल्दी उठने की कोशिश तो की लेकिन उठ नहीं पाया। सोचा कि पढ़ाई करूँ मन लगा कर, तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। फिर सोचा कि रात भर जाग कर पढ़ाई करी जाए, बट कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तब पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट थी, बट अभी आपके लिए तो मोबाइल चलाना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर टीवी देखना ज़रूरी है। फ्रेंड का कॉल आ गया तो उससे बात करना इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन चेक करना इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बड़े बड़े सपनों को रोकने की वजह बन जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बेकार की चीज़ों को अपनी ज़रूरी कामों की लिस्ट से अभी हटा दो, क्योंकि ये काम इतने ज़रूरी नहीं है जितना आपने इन्हें बना दिया है। आपको इन सब चीज़ों का एडिक्शन हो गया है, और जो इन सब चीज़ों से जो थोड़ा टाइम बच जाता है वो टाइम आप अपनी स्टडीज़ में लगाते हो। फ्रेंड्स, ये बात याद रखना कि सही टाइम पर उठाया गया एक छोटा कदम फ्यूचर की बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। अगर सुबह नींद नहीं खुलती तो रात पर जागो, ये ठान लो कि आज का सनराइज देखना ही है, चाहे रात भी जागने पड़े तो रात भर जाग के पढ़ूंगा। जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं करूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी पढ़ाई के अलावा कुछ ज़रूरी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना ही सोचना, क्योंकि जब आप सोचने लग जाओगे तो कब मन भटक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी किताबों को बंद करके अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। जब भी ये मन में आए कि मुझसे नहीं होगा, तो ये याद रखना कि तुमसे ही होगा। दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ के कोई बहुत बड़ा सीन ही मार दिया तुमने। दिन में 24 घंटे पढ़ने की ठानो। अब आप बोलोगे ये तो पागलपन है, बट यार पागलपन ही ज़रूरी है। अगर नॉर्मल लोगों की तरह सोचोगे तो नॉर्मल लोगों जैसे ही काम करोगे और नॉर्मल से ही टारगेट बनाओगे, तो इस ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने से ही कोई सक्सेसफुल नहीं होता। इस दुनिया में कोई ऐसी सक्सेस नहीं है जो कोई इंसान हासिल नहीं कर सकता। जॉब्स, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, ये जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं इस दुनिया में, इन सभी की सफलता का राज क्या था? इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसे कर नहीं सकता, बट इन्होंने ये सोच लिया था कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और मेरा इस दुनिया में जन्म इसी काम को करने के लिए हुआ है, और इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया में सक्सेसफुल बना दिया, जिससे इन्होंने साबित कर दिया है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस ज़रूरत है कभी ना टूटने वाले हौसले ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने लक्ष्य को अपनी ज़िंदगी बना लिया है, तो बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी की सुने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फुल एफर्ट लगा दीजिए, और अपने मन में ठान लीजिए कि जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब मैं नहीं रुकूंगा। ये याद रखना कि इस दुनिया में कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।